हेलो फ्रेंड्स, आई एम एट द दस्तकार मेला नियर छतरपुर न्यू दिल्ली, और मिलते हैं एक आर्टिस्ट से जो मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन मैं इनसे मिलना चाहता हूँ और इनके काम के बारे में जानना चाहता हूँ। इनका नाम है हीरामन उर्वती। नमस्कार हीरामन जी, आज हीरामन गोंद जी से बात करेंगे गोंद आर्ट पे। हीरामन जी, कुछ काम आप पहले अगर दिखाएं। इस तरह से मेरे काम है, ये हैंडमेड पेपर पे है जी। ये हैंडमेड पेपर पे है जी, हैंडमेड पेपर पे है। और ये इंक या कलर जो आपने यूज़ किया है, ये क्या है? एक्रिलिक। ये एक्रिलिक कलर है, और प्लस इसमें रोटरिंग पेन भी है। अच्छा, उसी में ब्लैक एंड वाइट काम किया हूँ। थोड़ा सा तेज बोलिएगा हीरामन जी, ताकि मैं कैच कर पाऊँ। ब्लैक एंड वाइट है और एक्रिलिक कलर है, रोटरिंग पेन के धार पर मैं अच्छा बनाया हूँ। और अच्छा, ओके, मैं दिखा देता हूँ एक बार काम को भी जी। दिखाइए, इन कामों को करने में, पेंटिंग्स को करने में कितना टाइम लगता है आपको? नहीं, इसमें हमारे टाइम करीबन नहीं तो कम से कम 5-6 दिन लगता है। 5-6 दिन लग जाते हैं। ये A4 से बड़ा साइज है ये। हाँ, A4 कम से कम 4 दिन लगभग लगता होगी। A4 में 4 दिन लगते हैं, तो A3 के करीब हो गया। A3 से थोड़ा बड़ा भी है। A3 से बड़ा है, थोड़ा बड़ा है जी। तो इसमें आपको मतलब कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं। 4-5 दिन लग जाते हैं काम करने। ड्राइंग खुद ही करते हैं, खुद ही पेंटिंग करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं? खुद करते हैं सब, कलर भी हम खुद करते हैं, उसमें टेक्सचर भी हम खुद डालते हैं। और हमारे समझ की ये है कि हमारे दिमाग से कुछ चीज़ें निकालते हैं हम लोग, कि हमारे दिमाग में ये चीज़ क्या होता है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं, वैसे जैसे हमारे मतलब उसका थीम और बढ़ता जाता है, और क्या है? डालना है और क्या डालना है और क्या कैसे नहीं इसको उभारना है, लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इसको इस तरह से होता है हमारे काम। मैं पहले और कुछ और काम दिखाना चाहूँगा, फिर आपसे सवाल जवाब भी करूँगा। और जी जी, इनका प्राइस कैसे होता है, क्या प्राइस रखते हैं आप? इस साइज के ऊपर रखते हैं इनमें प्राइस। जैसे ये काम है, ये कैसे प्राइस होता है? इसके A4 साइज में मतलब मैं 2000 में देता हूँ। A4 साइज 2000 में जी, और ये 4000 में। ये 4000 जी जी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस, थैंक यू सो मच। यहाँ आप देख पा रहे हैं हीरामन जी को अपने स्टूडियो में काम करते हुए। गोंद पेंटिंग बना रहे हैं कैनवस पे एक्रिलिक कलर के साथ। गोंद पेंटिंग की खासियत है इसके कलर्स, द चॉइस ऑफ कलर्स, द फॉर्म्स, द वे दे क्रिएट द नैरेटिव बेस्ड ऑन देयर लाइफ एंड देयर सराउंडिंग। बहुत ज़बरदस्त आर्ट है ये, और इंटरनेशनली वेल नोन है, लेकिन इनके कलाकारों के ऊपर ज़्यादा रिसर्च या शोध नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, बुक्स हैं लेकिन वीडियो डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। तो ये कोशिश है आर्ट कीपर की तरफ से कि एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाए, और आप साथ रहें आर्ट कीपर के। प्लीज़ सपोर्ट आर्ट कीपर, सब्सक्राइब एंड शेयर, आई नीड योर सपोर्ट। ये डिजाइन जोगी लट्टी का है, जोगी लट्टी जो अमर बेल होता है, जोगी लट्टी उसका है। आराम से मोबाइल लगाना था इसमें, ये जोगी लट्टी का है पूरा, ये अमर बेल कहते हैं, अमर बेल। बस बंद करते हैं, लाल बटन दबा दिया। यू कैन सी हीरामन उर्वती इज डूइंग अ म्यूरल पेंटिंग, और अकेले नहीं कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए कुछ लोग भी हैं, कुछ आते फाते हैं, लेकिन छोटे से पेंटिंग से म्यूरल तक सब कुछ इन्होंने किया है। एंड लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द साइज ऑफ द वर्क, इट्स ह्यूज एंड सो ब्यूटिफुल्ली कलर्ड। गोंद आर्ट एक अलग ही जगह, एक अलग ही जगह पे है ये, और इसको मैं जितना देखता हूँ उतना और जानने की कोशिश करता हूँ मैं। इट्स फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, इट मेक्स मी फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। लुक एट द वर्क,
वीडियो बना सकता हूँ और नाम ये बना अच्छा ठीक नाम ये बनाते हैं ठंडा की सुबह बनाते हैं ठंडाई दी है इस घर में की नहीं पूरा दिन खा देते मकान पटते थे देखो आम आटा ठीक देख छुट्टी है उनकर जी एक मिनट मैं इसको भी दिखा देता हूँ काम को। इनके बारे में क्या खुद ही सोचते हैं, खुद ही इनके बारे में पहले कोई स्केच बनाते हैं या कोई लेआउट बनाते हैं या डायरेक्ट शुरू कर देते हैं? ये हमारे पेंटिंग्स में कुछ चीज़ ऐसे लगता है मुझे हाँ कि कहीं पे स्केच करना है, कहीं पे मुझे डालना है, तो इसके लिए स्केच करता हूँ मैं। बाकी अच्छा। मैं डायरेक्ट काम करता हूँ, डायरेक्ट काम जी डायरेक्ट कलर लेता हूँ, काम करता हूँ उसके ऊपर, करने की जरूरत तो नहीं है जी। और उसके आधार पर मैं बिल्कुल फ्री हैंड काम करता हूँ मैं। और अच्छा। उसमें अगर कोई चीज़ मुझे डालना है, कोई चीज़ मुझे एडजस्ट करना है, ये कोई चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है, वो चीज़ मैं सब करता हूँ उसके ऊपर, ताकि मैं स्केच नहीं कर पाऊँ उसमें। ये सीखा किससे था आपने? मैं जनगण सिंह श्याम से सीखा हूँ, मेरे गुरु हैं वो। अच्छा, अरे वो तो बहुत बड़े नरे। अच्छा, उनके हैं आप शिष्य। चलिए और दिखाइए। रुकिए मैं दिखा देता हूँ। इन पेंटिंग्स को कभी आप फ्रेम नहीं करते, मतलब इसी तरह रखते हैं? एक्चुअली फ्रेम करके मतलब यहाँ पे देने लायक हम लोग ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि लाने में हमको तकलीफ होती है, दिक्कत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सीसर फट गया, हमारी पेंटिंग फट गया, कुछ हो गया, तो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए हम उस रेट में हम नहीं देते कि हमने सीसर सामने वाले लगवा सके, इसलिए हमारे जितना मैंने मार्जिन काम है उसी आधार पर हम देते हैं पेंटिंग का, आगे हम नहीं देते उसका, क्योंकि सामने वाले उसका सीसा भी लगवा सके, पेंटिंग भी लगा सके। पेंटिंग भी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो मैं काम करता हूँ, ये जो इसका मैंने डॉट डॉट डाला है इसमें, ये है ना, ये त्रिशूल का है, जो मेरा पैटर्न एक जो मैंने साइन टेक्चर है मेरा त्रिशूल का है, ये वाला ये त्रिशूल का है, पूरा सारा चीज़ है शंकर भगवान के त्रिशूल का मैंने वो लिया है मैंने टेक्चर। अच्छा जी। और जो मैं पैटर्न में करता हूँ, जो हमारे आर्टिस्ट नहीं करते उसमें, और जो आर्टिस्ट दूसरे करते हैं वो आर्टिस्ट वो चीज़ हम नहीं करते, हमारे एक साइन। अच्छा, ये आपका एक साइन होगा? साइन होगा। अच्छा, ये चीज़ कुछ कर ही नहीं पाएंगे कोई, मतलब ये हर आर्टिस्ट का, गोंद आर्टिस्ट का, हर किसी का होता है ये? हर किसी का अलग अलग होता है कि वो ये छुपा हुआ चीज़ें दे देगा पहचान जी, ताकि कोई और ये मतलब समझ जाए कि ये उसी का काम है। जी जी जी। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। ये जानकारी अब पहली बार मुझे मिली, दिखाइए और।
और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, मैं मेरे कलर के आधार पर दिखाता हूँ यहाँ पे, एक 3D तरह दिखाता हूँ मैं। 3D मतलब ये होता है कि एक कलर नीचे होता है, एक कलर ऊपर होता है। ये कलर मैंने बाद में दिखाई देगा, ये कलर फर्स्ट दिखाई देता है, ये वाला फर्स्ट दिखाई देगा, मतलब ऊपर दिखाई देगा ये, और ये कलर थोड़ा बाद में दिखाई देगा, थोड़ा डल डालता हूँ उसको, और एक को फर्स्ट डालता हूँ, एक 3D दिखाता हूँ लोगों को, मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ ये कलर क्या डाला है। आर्टिस्ट की ही पहचान तो है। और है वही त्रिशूल का ही मार्क है इसमें, त्रिशूल ही है वो, लेकिन मैं 3D करता हूँ। अच्छा, त्रिशूल के मार्क को लेके कलर के साथ। ओके, जी। और दिखाइए, तो इसी तरह की चीज़ें हर आर्टिस्ट करता है गोंद में। जी जी जी, कि वो चीज़ छुपा हुआ वहाँ पे रहेगा तो पता चल जाएगा उसी का काम। जी, अच्छा, सारी जो चीज़ें ये नेचर के साथ ही जुड़ा हुआ है। नेचर के साथ जुड़ा हुआ है, गांव के साथ हमारे जुड़ा रहता है, गांव में जंगलों में जो चीज़ें हैं वही चीज़। जी, लेकिन ह्यूमन फिगर बहुत इसमें मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ह्यूमन फिगर्स भी होते हैं आपके? होते हैं आपके पेंटिंग्स तो है। एक्चुअल में जो चिड़िया है और एनिमल्स हैं इनसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा लगाव मैं रखता हूँ, इसलिए ज़्यादा ही कुछ बनाता हूँ इस चीज़ से। अच्छा, क्योंकि मुझे यही प्यार है। जिस तरह भी हिरण होता है, हिरण जंगल का तो एक है, लेकिन हिरण के ऊपर क्या होता है कि उसका जो सींग होता है बहुत बड़ा बोझ हो जाता है, अगर कोई उसको मैंने पकड़ना चाहे, कोई शिकार करता है, जैसे कोई भी शिकार करता है कोई जानवर, तो भागने में बहुत असफल हो जाता है वो, क्योंकि उसके सींग की वजह से। अगर सींग अगर ओपन जगह में है तब तो भाग जाएगा कुछ तरह से अपने जान बचाने के लिए, लेकिन अगर जंगल में है तो नहीं भाग पाता, क्योंकि उसका सींग इधर उधर फंस जाता है। इसलिए बहुत बड़े इंसान के चाहे जानवर कहें गरीब है, इसलिए उसका मैं पेंटिंग में हर जगह में बनाता हूँ और बहुत फेमस को हर जगह देते हैं। जी 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 जी, क्योंकि वो मतलब बेचारा वो परेशानी चीज है और कुछ नहीं है, वो उसके साथ मार लेने करने का कुछ नहीं ऑप्शन है। अगर सींग भी है तो बहुत बड़ा भारी सींग है उसके पास, कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए उसको मैं बहुत प्यार से बनाता हूँ। आपको उससे प्यार है? जी जी जी। अच्छा, दिखाइए। ये वही है, हिरन ही है, हिरन के वहाँ से पेड़। जी जी, सींग को पेड़ की तरह आपने निकाल दिया। ये जंगली सुअर है शायद? जी जी जी, नीचे जी। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि इसी थीम पे कुछ और भी काम किया जाए? मतलब मान लीजिए अभी पटचित्र में चल रहा है जी, बंगाल में जो है वहाँ पे पॉलिटिकल चीज़ें भी उसमें डाल दी उन्होंने, समाज के साथ जो जुड़ा हुआ है। जी, अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ था तो उन्होंने वो भी डाल दिया, बाकी कोई और भी आता है चीज़ तो वो भी डाल देते हैं। तो हम कुछ चीज़ भी डाल तो सकते हैं, लेकिन बात ये हमारे साथ ये होता है कि हमारे आदिवासी के साथ वो जुड़ता रहे और उनके साथ में कुछ मैंने बातें हैं, कोई भी चीज़ें वो चीज़ के आधार पर हम जोड़ते हैं। ये अच्छा। कोई अलग से चीज़ अगर हम करते हैं तो हमको मज़ा नहीं है, हमारे कैटेगरी हमारे जगह की बात होता है तो हम जोड़ लेते हैं। हाँ, अगर हाँ वो चीज़ ये चीज़ हमारे में मिलता जुलता है तो हम कवर कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं, जी पेड़ कम होते जा रहे हैं, जी क्या कभी आपने उस पर भी सोचा है कि उस पर भी बनाया जाए? उसके ऊपर पेंटिंग बनाया हूँ। अच्छा जी, इसके पेड़ बचाव के बारे में बनाया हूँ, जंगल बचाव के बारे में बनाया हूँ मैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पानी नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास हवा नहीं है, इसकी वजह से हमारे पास सही ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए पेड़ बचाव के लिए उसके लिए मैं काम किया हूँ, पेंटिंग उस पर भी काम किया। जी जी जी, ओके, दिखाइए। ओके, अब आप मैं कुछ यहाँ की भी पेंटिंग्स देखना चाहूँगा, ये जो है, क्योंकि इसके स्टाइल थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है, कुछ मैं देखूँगा यहाँ। जी, ये क्या रोटरिंग पेन यूज़ करते हैं आप? जी जी जी,
ब्लोटिंग पेन ब्रश से भी होता है, ब्रश से भी होता है जी। और ये सब एक्रिलिक कलर्स हैं जी जी। पहले क्या एक्रिलिक कलर यूज किया जाता था, पहले क्या किया जाता था, पहले तो शायद नेचुरल कलर, वेजिटेबल कलर, वेजिटेबल कलर करा होता था, पत्तों फूल वगैरह से होता था, पत्ते से होता था जी जी जी। मैंने देखा है उस तरह के काम मधुबनी में भी करते हुए, गोंद आर्टिस्ट को भी करते हुए मैंने देखा है जी जी। तभी वो यूज होता है नेचुरल कलर्स ना, ज्यादा नहीं, नहीं एक्चुअल क्या होता है कि अभी मतलब जिस टाइप की हर लोगों को मतलब फर्स्ट चीज चाहिए बिल्कुल एकदम कलर अच्छा चाहिए तो, और उसका कलर बहुत मध्यम होता है, बिल्कुल मीडियम होता है, उसका कलर थोड़ा फास्ट नहीं होता, इतना ब्राइट भी नहीं होगा, ब्राइट नहीं होता। और ब्राइट अभी हमको इस जगह में चाहिए ब्राइट चीज़ें, ब्राइट चीज को मतलब पसंद करते हैं लोग, इसलिए उसको यूज नहीं करते। हाँ अगर कोई कहता है कि हमको नेचुरल कलर का अगर पेंटिंग बना के दो तो हम पर्सनली उनके लिए पेंटिंग बना के देते हैं। अच्छा तो वो करते हैं आप? जी जी। रमन जी आपके कुछ छोटे काम भी हैं तो वो छोटे काम भी दिखाइए जी। जी ये फिर से हिरन जी, और हिरन के पंख भी हैं, पंख भी हैं, विंग्स हाँ जी जी जी। और वही त्रिशूल का मार्क है आपके जी जी जी, त्रिशूल का है जी जी जी। ये कलर पैलेट भी जो है आपका अपना ही है, मतलब ये आप मतलब हर आर्टिस्ट का क्या अपना एक कलर पैलेट होता है या नहीं, ऐसा नहीं कि कलर भी नहीं, सबका सोच अलग होता है, कलर के ऊपर चॉइस होता है उनका, हर आर्टिस्ट का अलग अलग होता है जी। अगर कहीं मैं ब्लू ले रहा हूँ तो कोई आदमी इसको फर्स्ट करके लेंगे या फिर इसको डल करके लेंगे, मैं मीडियम करके रखता हूँ, इस तरह से होता है। मैं कुछ कैनवासेस भी दिखाना चाहूँगा आपके, ये सारे आपके कैनवासेस हैं जी। तो ऐसे कैनवासेस बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? ये 3 महीने लगा हुआ इस पेंटिंग में। 3 महीना जी। ये भी हिरणी का है और पूरे में त्रिशूल, त्रिशूल पूरा लगा हुआ है। अच्छा जैसे शिव जी का त्रिशूल है तो त्रिशूल का मार्क होगा ये। जी जी जी। ये मोर है और मोर के जो बच्चे मैंने पंख के ऊपर बच्चे हैं मतलब छुपाया हुआ उसका, लेकिन मैं इसको पंख को एक बच्चे के रूप में दिया हूँ क्योंकि मोर का पंख से ही पहचान है जी, तो इसलिए उसको पंख को बच्चों के रूप में दिया हूँ मैं। तो यहाँ पे पंख जो है वो बच्चे के छुपे हुए हैं इसमें? हाँ जी बच्चे छुपे हुए उसमें, तो पंख के रूप में दिया हूँ उसको बच्चों को। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया सोच है और बहुत इंटरेस्टिंग। वही हिरन जी, हिरन ये महुआ का पेड़ है पूरा, ये महुआ का पेड़ है। और ये मतलब उतार रहे हैं ये लोग? अच्छा वो है मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों का ये हाँ। वो उतार रहे हैं और जो आँख है, शराबियों का आँख है जो उनके
दृष्टि है उसमें, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है जो हमारे रक्षा करते हैं जी। और इधर जो है ये अपने गांव में बैठकर सब लोग शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जन्म हुई है इसलिए पीते हैं। और ये है काली जी, काली माँ। हाँ, तो इसका एक पेड़ है, तो ये काली का, काली देवी को दिखा रहे हैं। काली मतलब ये है कि जो शराब पीने वाले काली जी की ही पसंद करते हैं, बाकी चीज़ें नहीं, तो वो चीज़ होता है। और ये जो पेड़ बनाया है मैंने तो बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लगे थे दूर, इस तरह इसके इसके पेड़ से बोलिए एक बार, बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर अच्छा। पंछी को तो छाया नहीं फल ला गया थी दूर। अच्छा, तो इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि पेड़ तो बड़ा है लेकिन पक्षियों का छाया नहीं है वहाँ पे, न फल भी दूर है, आदमी भी नहीं पहुँच पाते वहाँ, न चिड़िया पहुँच पाते वहाँ, इसलिए तो वो पेड़ का मतलब ही नहीं है। न बड़ा आदमी भी है, और बड़ा आदमी अगर किसी संस्कार से अगर किसी छोटे आदमी को भी नहीं जान रहा है तो बड़ा होने का मतलब भी नहीं है उसका। बिल्कुल, इसके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, पूरा मतलब गांव का वो चीज़ जो है, एक दिनचर्या जो है जिस तरह से लोग जीते हैं जी, अब शराब पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, सब कुछ लेके हैं। ये जंगल में जाते हैं हम लोग तो इस तरह की लकड़ी लेके आते हैं हम लोग, साथ में हमारे साथ अगर कोई जानवर की वजह, डर की वजह से हम कुत्ता साथ में लेके जरूर जाते हैं। हाँ, कुत्ता भी रखा जाता है। और पानी लेते हैं तो हमारे गाँव में पानी इस तरह से लाते हैं, 2 या 3 गुंडी ऊपर रख के लाते हैं इस तरह। और कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से ऊपर जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर तक जाते हैं हम पानी डेली पानी लेके आना पड़ता है। तो वहाँ वाटर सप्लाई नहीं है? नहीं, गांव में वाटर सप्लाई भी नहीं है, तो औरतों को जाके पानी लेके आना पड़ता है। जी जी। और दिन में एक बार ही आना पड़ता है क्या, दिन में 2 बार? सुबह शाम जाना पड़ता है, सुबह शाम जाना पड़ता है, शाम को भी जाना पड़ता है पानी, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर। जी जी। अच्छा, ये शराब के ग्लासेस है? जी जी, ये बॉटल है, ये उनके मग है। सभी जो पीने वाले हैं कि आँख की दृष्टि वही है जो कप में है, बॉटल में है। तो आँख क्यों बनाया है आपने? आँख इसलिए बनाया है कि हमारे दृष्टि कप में पड़ रहा है कि इसमें दारू है, शराब है। अच्छा। जिसको उठा के हम पीएंगे तो हमारा आँख उसमें जा रहा है, मतलब हमारे आँख की दृष्टि उसमें दिखा रहा है। दारू की बोतल में भी आँख बना हुआ है? आँख बना हुआ है। अच्छा अच्छा, ये मोर और हिरण है। मोर और हिरण, वही पेड़ में त्रिशूल का साइन। जी जी। ये मछली है? जी। मछली और मोर। मोर आप जो पेड़ जो दिखा रहे हैं अभी, क्या गांव में इतने पेड़ बचे हुए हैं या पेड़ कम हो गए हैं? पेड़ बहुत कम हो गए, इसलिए तो मैं पेड़ बना बना के पूरे दर्शकों को बता पा रहा हूं। इसके सहारे, पेंटिंग के सहारे हमने शासन को भी मैंने पहुंचता है इस बात से कि हमने आप बता रहे हैं इस टाइप की बात। रमन जी, कभी आपने सोचा कि इनके एग्जीबिशंस भी किए जाए गैलरी में जाके? नहीं, मैं सोचा तो हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छे जगह में सो मैं करूँ ताकि मैंने पब्लिक मेरे पास आए और मुझे पेंटिंग के बारे में पूछे कि पेंटिंग की क्या है, इसकी किस लिए बनाते हैं और क्या है, क्योंकि हम लोग जो जनरेशन जो डूबा हुआ है, जो चीज़ मैंने लुप्त हो जा रहा है उसको हम पेंटिंग के सहारे हमने लोगों को बता रहे हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं चीज़ों के बारे में। और हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कला को हम दुनिया में पहुँचाएं, कला को हम दुनिया में दिखाना चाहते हैं। चाहते हैं जी। इसको क्या बाहर भी लेके गए हैं? कहीं बाहर भी? बाहर मैं नहीं गया हूँ, लेकिन मैं पेंटिंग भेजा हूँ बाहर। पेंटिंग भेजा जी, किसी थ्रू मेरे पेंटिंग गए हुई बाहर, और बाहर पेंटिंग मैंने भेजाता हूँ मैं। और मैं कला में रहता है मेरा, जो बाहर का जो कला होता है, जिस टाइप हमारे गाँव का चीज़ें और लुप्त होते हैं, और जो भी चीज़ें मुझे लग रहा है कि इसको मतलब शहर से और गांव से जोड़कर मैं कुछ बनाऊं, तो वो भी चीज़ मैं करता हूं, क्योंकि गांव में गांव की चीज़ उन्हें शहर की चीज़ को गांव में बताता हूं, गांव की चीज़ शहर में बताता हूं, तो दोनों को मिक्स करके एक पेंटिंग बनाता हूं,
जिस तरह के अभी कोरोना के बारे में आया था, तो कोरोना के बारे में भी एक मैं पेंटिंग बनाया हूँ उसके बारे में। तो आप कुछ उनके तस्वीर भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा जी, ताकि आर्ट कीपर में जो दर्शक हैं वो देख पाएँ जी, सभी के पास ये जानकारी जाए जी। मैं आपसे वो फोटोग्राफ भी ज़रूर लूँगा जी। जी जी रमन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम आपने दिया। मैं और ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं दूंगा, क्योंकि आप यहाँ पे दस्तकार मेला में आए हैं, आपको यहाँ सेल भी करना है जी। जी सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता है जी। जी और उम्मीद करता हूँ दोबारा फिर मिलेंगे जी। और आर्ट कीपर का आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे विद आर्ट कीपर, सब्सक्राइब एंड शेयर, वी नीड योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।